गुलाम हैदर को किन किन जगहों पर, किन किन शहरों या स्टेट्स में जाने के लिए इजाजत मिल सकती है, और उसकी जरूरत कहाँ है? मतलब दिल्ली में, हरियाणा में, या यूपी में, या कहीं भी जा सकता है वीजा जब मिलता है उसको? जैसे उनको वीजा हमारा भारतीय उच्चायोग, जो हमारा हाई कमीशन ऑफ इंडिया है जो इस्लामाबाद में है, जब पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद उनको पासपोर्ट पे वीजा लगा के दे देता है, और वो 30 दिन का लगता है या 60 दिन का लगता है, तो उसमें लिमिट होती है भाई, इतने दिन के अंदर आप जा सकते हो। तो उसके बाद वो टिकट करा ले अपना, टिकट कराने के बाद भारत में आ जाए, आने के बाद फिर उसको यहाँ पर जो आने के बाद वो बाकायदा उसकी रिपोर्टिंग होती है, उसको भारत रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि मैं अराइवल ये वीजा लेके आया हूँ। रिपोर्टिंग होने के बाद फिर वो अपने उस एरिया में जहाँ का उसको वीजा मिला है वहां पर रहता है, जा सकता है और अपनी कानूनी जो कार्रवाई है पूरी कर सकता है। अगर उसको लगता है कि भाई मुझे अभी और जरूरत है, तो जो उसका वकील है वो उसको लिख के देगा कि मुझे अगली तारीख लगी है और काम है, तो अगर वो यहाँ आता है मुझे लगेगा कि और बढ़वाना है वीजा, तो मैं बढ़वाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी स्पॉन्सरशिप ठीक, पे, क्योंकि मैं भारतीय नागरिक हूँ और भारतीय नागरिक भी हूं और उसका वकील भी हूं, कोर्ट में केसेस है, तो मेरी रिकमेंडेशन पे, क्योंकि भारतीय नागरिक कोई भी अपनी रिकमेंडेशन देता है जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो उसकी उसको कंसिडर किया जाता है कि उसकी जिम्मेदारी होती है, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है कि इसमें भारत में ये जिम्मेदार व्यक्ति इसका है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इसको वीजा दिया जाता है। तो मैं भारत का नागरिक हूँ, तो जो मेरी जरूरत के मुताबिक होगा मैं उसको उतना एक्सटेंड करूंगा। सर गुलाम हैदर को किन किन जगहों पर, किन किन शहरों या स्टेट्स में जाने के लिए इजाजत मिल सकती है, और उसकी जरूरत कहाँ है? मतलब दिल्ली में, हरियाणा में, या यूपी में, या कहीं भी जा सकता है वीजा जब मिलता है उसको? जरूरत कहाँ है नहीं, उसकी? ऐसा होता है कि भारत और इंडिया के बीच में ही केवल ये फड्डा है, इनके बीच में ये परेशानी है कि जो भी पाकिस्तानी व्यक्ति भारत में आएगा वो जिस शहर का वीजा लेगा उस शहर में ही वो रह सकता है। उसके अलावा अगर वो दूसरे शहर में जाता है तो उसका बाकायदा अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी या उसको वीजा लेना पड़ेगा तब जाएगा। लेकिन जो दूसरी कंट्री है, पाकिस्तान के अलावा जो दूसरी कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, तो उनको सिर्फ इंडिया का वीजा मिलता है और इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं बेरोक टोक, और उनकी कोई पुलिस रिपोर्टिंग भी नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ऐसा है, हम इंडियंस भी अगर पाकिस्तान जाते हैं तो जिन शहरों का पाकिस्तान का हमें वीजा मिलता है तो हम केवल सिर्फ उन्हीं शहरों में हम जा सकते हैं, उनके अलावा हम किसी और शहर में नहीं जा सकते, ये चीज है। तो ये मतलब दोनों ये के बीच लफड़ा, में ये है, तो दोनों के बीच लफड़ा है सर ये? हाँ, ये तीन चार जगह का जहां जहां जरूरत है, जहां गौतम बुद्ध नगर के चल रहे हैं वो हमने वहां का वीजा है उसका, दिल्ली का है, पानीपत का है, फरीदाबाद का है, तो जहां जहां सिर्फ जो लीगल रिक्वायरमेंट है हमने वही रिकमेंडेशन किया। अगर इसके अलावा कहीं और की जरूरत पड़ेगी तो वो मेरा काम है, मैं अपना आप करा दूंगा उसकी, सर दिल्ली से ऑन मैं परमिशन करा दूंगा, सर मैं अपनी इन जिम्मेदारी लेटर पे। नोट में, सर इंटाई लेटर नोट में एक बात कि गुलाम हैदर की ख्वाहिश है कि एपी सिंह बीमार है, तो मैं चाहूंगा कि जब वहां जाऊं तो सबसे पहले मैं उसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए एपी सिंह के घर जाऊं, तो एपी सिंह से कहां मुलाकात होगी उसकी? ये खैरियत लेने जाएगा, वो जाके वहां थाने में खड़ा हो जाएगा, जी मुझे मारने आया सर वो तो निहत्ता जाएगा ना, सर वो तो निहत्ता जाएगा, उसके बाद क्या होगा? वो कहता है मुझे लगता है कि ये बीमार है, मैं इसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए जाऊंगा। वही बता रहा हूं कि ये तो जाएगा खैरियत पूछने के लिए, वो ये उसके घर के सामने होगा और वो थाने में होगा फटाफट, है ना, वो थाने में जी होगा, वो जो है वो वहां थाने में होगा और वो जाके कहेगा जी गुलाम हैदर मेरे को तो मारने आया है। तो लेकिन ये है कि गुलाम हैदर बड़े दिल का है, बलोच है, और वो कहता है जी मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इससे मिलने के लिए जरूर जाऊंगा, कि मुझे पता है पागलपने का शिकार है, बीमार है, नफसियाती है, मैं चाहूं इससे जाके इसको तीमारदारी कर दूं। वो तो मैं कोर्ट में मिलवा दूंगा ना, जब कोर्ट में आमना सामना होगा ना मेरा और एपी सिंह का और गुलाम हैदर का, सीमा हैदर का, जब आमना सामना होगा तो जब कोर्ट की पेशी खत्म, कोर्ट की सुनवाई पूरी होने वाली होगी, तो मैं कह दूंगा जज साहब से, मैं जज साहब ये गुलाम हैदर की इच्छा है जरा इससे बात करने की, आपके सामने कल कोई एलिगेशन न लगा दे जी मेरे पे हाथ उठा दिया मार दिया, मैंने कहा आप जनाब आपके सामने दो बात करवा दे जरा गुलाम हैदर की इससे लेकिन वो तो खरीद मैं दरियाफ्त करना अपना, चाहता है, मैं आपको वाक्य बता रहा हूँ सर, सीरियसली वो कहता हाँ है मैं जी मेंटली तौर पर सिक कोर्ट में करा दूंगा।
ठीक है। अच्छा सर, दूसरी बात ये थी कि आपको मैं कह रहा था कि जैसे गुलाम हैदर की जरूरत तीन जगह पर है, एक दिल्ली में मुमकिन तौर पर, बाकी हरियाणा और यूपी में जरूरत है, इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं उसको। नहीं कुछ काम तो है नहीं, कुछ काम अगर कानूनी पड़ेगा, अगर मान लिया कोई केस में जरूरत पड़ती है, जैसे खुदा ना खास्ता अगर हम नहीं जीतते हैं, वैसे तो मोमिन मलिक जिंदगी में हारा नहीं है, लेकिन 1% हाँ 1% अगर मान लिया कोई ऑर्डर ऐसा है जो हमें हाईकोर्ट में लेके जाना है, तो फिर उस हालात में हमें लखनऊ का वीजा लेना पड़ेगा, दिल्ली का वीजा लेना पड़ेगा, चंडीगढ़ का वीजा लेना पड़ेगा, तो वो जहाँ हाईकोर्ट है फिर उसकी जरूरत के मुताबिक जो वो कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे वो लगा करके हम वहां का वीजा ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सर हर स्टेट में अपनी अपनी कोर्ट नहीं, हाईकोर्ट नहीं है सर हर स्टेट में, जैसे यूपी की हाईकोर्ट, यूपी की हाईकोर्ट है, यूपी की अलग हाईकोर्ट है, दिल्ली की अलग हाईकोर्ट है, हरियाणा की अलग हाईकोर्ट है, हर स्टेट की एक हाईकोर्ट होती है सर। सही है, ठीक है जी। अच्छा तो उसके लिए जाना पड़ सकता है। हाँ हाँ। अच्छा सर थोड़ा सा आगे बढ़े, दो तीन जो मेन, यहाँ आने के बाद उसको कोई टेंशन नहीं है, वो मैं बैठा हूँ सारी चीज अपना आप कर दूंगा, कुछ नहीं, उसको तो सिर्फ साइन करने है, और साइन भी नहीं कर सकता तो वो उसका अंगूठा पकड़ पकड़ के लगवा देंगे फटाफट फटाफट फटाफट, जहां जरूरत पड़ेगी, साइन का भी झंझट नहीं है। उसकी लुगाई ने सीख लिया है, तो क्या आप सवेरे गुलाम हैदर को नहीं आता होगा साइन करना? इस बात का क्या सबूत है उसने सीख लिया, क्या पता वो पहले से सीखी हुई आई हो। ये भी तो हो सकता है, लेकिन उसने सीख लिया सर, गुलाम हैदर को भी आता है। नहीं मैं तो ये कह रहा हूं कि वो हो सकता है पहले से सीखी भी आई हो, कई भाषाओं का ज्ञान हो उसे। सर जो वो भारत की सुरक्षा के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है, वो आपको पता है, मुझे तो पता है इस बात का सर। जो उसके करतूत हैं उससे तो लगता है कि अक्सर जो ज्यादा इजाफी जो एक्टिव होता है ना बहुत ज्यादा, तो कहते हैं ये पेट से सीख के आया है, तो सीमा का भी ये लगता है कि वो सारे जो इसके खरम है ना वो पेट से सीख के आई है, दुनिया में उसने बाद में कदम रखा था। मैं ये कह रहा हूं अगले हफ्ते जी सर दहाड़े मार के रोएगी वो, ये हफ्ता जो आने वाला है ये हफ्ता उसके लिए इतना कानूनी खतरनाक हफ्ता है कि वो जितनी वो फुदक रही है ना, जितनी वो चैनल पे फुदक रही है, गालियां दे रही है, हमारे भारत के लोगों को गालियां दे रही है, भारत के वकीलों के बारे में गलत बोल रही है, मेरे बारे में गलत बोल रही है, और वो सचिन भी गलत बोल रहा है, ये जो आने वाला जो हफ्ता है कानूनी रूप से उनके लिए इतना खतरनाक साबित होगा कि वो जो जितनी भी हंसी है ना और जितनी भी मिमिक्री है वो सारों का जूस निकाल के दुनिया के सामने रख दूंगा अगले हफ्ते। सर असल में मैं सवाल करता हूं कानूनी रूप से इस मुतालिक मैं सवाल करता आपसे, मैं कहता हूं कि इस बात को जारी रखते हुए आप मेरा सवाल ले लें, क्योंकि आप वकील हैं, आपके पास गुलाम हैदर का पटानी है, आप हर चीज गुलाम हैदर की वहां मैनेज कर रहे हैं, और पहले आप इंडियन हैं, उसके बाद वकील हैं, तीसरे नंबर पर गुलाम हैदर के वकील हैं। मैं जो अपने आप को समझता हूं कि मैं अपने आप को भारतीय पहले समझता हूं, मैं मुसलमान बाद में हूं, हमने वकील बाद में, हाँ मुसलमान बाद में हूं, वकील बाद में हूं, सबसे पहले मैं भारतीय हूं। बाबा भीमराव अंबेडकर जो हमारे प्रेरणा स्रोत है उनकी तस्वीर मेरे ऊपर लगी हुई है, हमारे भारत का तिरंगा देखेंगे आप ये लगा हुआ है, मैं सबसे पहले भारतीय हूं। गुलाम हैदर ने भारतीयों को पुकारा है, गुलाम हैदर ने भारत की माओं को पुकारा है, भारत की बहनों को पुकारा है, भारत की बेटियों को पुकारा है, भारत की सरकार को पुकारा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुकारा है, माननीय अमित शाह जी को पुकारा है, माननीय योगी जी को पुकारा है, और भारत के प्रशासन को पुकारा है, भारत की न्याय व्यवस्था को पुकारा है, वकीलों को पुकारा है, और भारतीय अदालतों से उसने गुहार लगाई है। तो मैं एक भारतीय होने के नाते, ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं, ना मैं सिख हूं, ना मैं ईसाई हूं, मैं सबसे पहले एक भारतीय होने के नाते गुलाम हैदर की, जिसको उसने पुकारा है, मेरे पिताजी कहते थे और हम भारतीयों का ये वसूल है कि हम कोई भी मेहमान आ जाता है हम उसको अतिथि देवो भवे यानी कि मेहमान देवता तुल्य मानते हैं,
और कोई इंसान, चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना हो, चाहे वो हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, अगर वो हाथ जोड़ करके हमसे कोई विनती करता है, हमसे कोई गुजारिश करता है, हमसे कोई रिक्वेस्ट करता है, तो भारत की संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि उस दुश्मनी को भूल करके के जो आपके दरवाजे पे आया है, जिसने आपके सामने हाथ जोड़े है, रिक्वेस्ट करी है, उस दुश्मनी को भूल करके आप उस हाथ जोड़ने वाले की मनोकाम, जायज मनोकामना को पूरी करोगे।